डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इस फर्स्ट लाइट के बारे में कल हमने यहाँ तक टीच किया था कि देयर हिज पेरेंट्स हैड कम अराउंड, दे वर कॉलिंग टू हिम श्रीली, अपब्रेडिंग हिम, थ्रेटनिंग हिम टू लेट हिम स्टार अनलेस ही फ्लू अवे, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। फॉर द लाइफ ऑफ हिम, यहाँ तक हमने पढ़ा था, फॉर द लाइफ ऑफ हिम इज इक्वल टू फॉर द सेक ऑफ हिज लाइफ, ये एडियम है और इसका मतलब है अपनी जिंदगी की खातिर, अपनी जिंदगी के लिए भी वो हरकत ना कर सका। सो यहाँ पर अपब्रेडिंग का वो तो मैंने एक्सप्लेन किया था उस वक्त भी, अपब्रेडिंग का मतलब है मलामत करना, ताना देना, बुरा भला कहना, किसी के सामने उसकी कमजोरी को बार बार सामने लाना ताकि वो शर्मिंदा होकर उस कमजोरी को ख़त्म करने की कोशिश करे। और उसकी कमजोरी क्या है? उसकी कमजोरी उसकी बीइंग अ कॉवर्ड, उसकी कॉवर्डनेस जो है, वो उसकी कॉवर्डनेस जो है वो क्या है, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। सो दे वर कॉलिंग टू हेम श्रेली, श्रेली मीन्स ये एक श्रेल साउंड को कहते हैं, एंग्री वॉइस को कहते हैं। सो दे वर एंग्री, हिज पेरेंट्स वर एंग्री, दे वर कॉलिंग टू हेम एंग्रीली, उसको वो बुरा भला कह रहे थे, ऊंची आवाज से उसको धमकी दे रहे थे, उसको कह रहे थे टू लेट हेम स्टार्व, कि हम तुम्हें चाहेंगे कि भूख से मर जाओ जब तक तुम इस उभरे हुए पत्थर को नहीं छोड़ोगे, इस घोंसले से नहीं उड़ोगे। तो यंग सीगल जो है उसकी हालत के बारे में हम मजीद यहाँ पर आज पढ़ेंगे कि यंग सीगल की क्या हालत है। राइटर कहता है कि ये जो कुछ हुआ, यानी कि हमने फर्स्ट लेक्चर में जो कुछ भी डिस्कस किया, डेट हैपन 24 आवर्स अगो, ये सब कुछ जो हुआ इसको तकरीबन 24 घंटे बीत चुके थे, गुजर चुके थे। इसलिए राइटर हमें यहाँ पर कहता है डेट वॉज 24 आवर्स अगो, ये सब कुछ तकरीबन 24 घंटे पहले हुआ। 24 आवर मीन्स वन डे अगो। सेंस देन, और अभी हमें राइटर ये बताता है कि 24 घंटे से कोई भी उसके करीब नहीं आया था, यानी एक पूरा दिन जो है ना उसका कोई बहन, ना उसकी कोई बहन, ना कोई भाई, ना उसके पेरेंट्स जो है उसके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या चाहते हैं कि हम इसके करीब अगर ना जाएं, इसको इस तरह अकेला छोड़ दें, इसको डिसकम्युनिकेट कर दें, तो क्या हो जाएगा? हो सकता है कि वो कोई स्टेप उठाएं और कोशिश करें और उड़ान भर लें। तो सेंस देन नो बॉडी हैड कम नियर हिम, 24 घंटे से कोई उसके करीब नहीं आया था। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड सीन हिज पेरेंट्स परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट। द डे बिफोर मीन्स द डे बिफोर इज इक्वल टू यस्टरडे, यानी कि कल उसने देखा था, एक दिन पहले उसने देखा था। ऑल डे लॉन्ग, ऑल डे लॉन्ग इज इक्वल टू द होल डे, सारा दिन वो देखता रहा, एक दिन पहले, अगर दो दिन पहले द डे बिफोर यस्टरडे। इन एक्सप्रेशंस को आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, आप यस्टरडे भी कह सकते हैं, अ डे बिफोर मी इज इक्वल टू यस्टरडे, ही हैड सीन हिज पेरेंट्स परफेक्टिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड सिस्टर इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, बिकॉज ही हैड ओनली वन सिस्टर, टू ब्रदर्स। He had seen them perfect, being perfected in the art of flight. Perfecting, perfecting का क्या मतलब है? To make them skillful, उनको माहिर बनाना, महारत सिखाना किसी काम में। और उसके parents जो थे, young Seagull के parents, वो किस काम में उसको अपने उसके जो उसकी जो बहन है, दो भाई है, उनको किस चीज में महारत सिखा रहे थे? इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ान की महारत सिखा रहे थे कि कैसे उड़ना चाहिए, कैसे होता लगाना चाहिए, कैसे जो है वो ऊपर की तरफ अचानक जाना चाहिए और कैसे नीचे की तरफ जो है आना चाहिए। तो ये है आर्ट ऑफ फ्लाइट, कैसे मछली को पकड़ना चाहिए।
और ये सब कुछ उसने देखा था कि उसके पेरेंट्स उसके दो भाइयों और एक सिस्टर को सिखा रहे थे, और वो भी चाह रहा था कि काश कि मैं भी ऐसा कर सकता, लेकिन वो ऐसा करने से कासिर है। क्यों? क्योंकि ही वास अ कॉवर्ड। अब यहां पर उसने देखा, और राइटर हमें बता रहा है कि परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट एंड हिज पेरेंट्स वर टीचिंग देम, उनको सिखा रहे थे हाउ टू स्कैम द वेव्स। स्कैम स्कैम का वर्ड जो है तुम्हें इसी तरह याद होना चाहिए, हाउ टू स्कैम। कभी कभी ये भी कर देते हैं कि एक सेंटेंस में, इसलिए हर एक सेंटेंस पर कड़ी नजर रखें, हर एक सेंटेंस को गौर से सुने। जो भी आप बुक की रीडिंग करते हैं, जो भी आप वोकेबलरी सुनते हैं, तो सेंटेंस में जो वर्ड्स यूज होते हैं, कभी कभी एक वर्ड को ड्रॉप कर देते हैं और आपकी रीडिंग को वो देखते हैं कि बुक की इसने रीडिंग की है या नहीं की है। तो बुक रीडिंग जो है वो क्या है, कंपल्सरी है। पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये चीज़ें फायदेमंद है। तो टीचिंग देम हाउ टू स्कैम, यहाँ पर आपको वो दूसरा भी वर्ड दे सकते हैं इस वर्ड को ड्रॉप करके, हाउ टू रिमूव, हाउ टू स्कैम, हाउ टू ब्रेक। तो आपको अपना वर्ड जो है सेंटेंस में यूज हुआ है वो आपको याद होना चाहिए, हाउ टू स्कैम द वेव्स। हाउ टू स्कैम द वेव्स मीन्स हाउ टू ब्रेक द वेव्स, हाउ टू रिमूव द वेव्स। जैसा कि दूध को गर्म करने के बाद अगर आप देखें तो उसके ऊपर एक लहर जो है वो बन जाती है। अगर आप उस लहर को, क्रीम की जो लहर होती है, अगर आप क्या करते हैं, एक तह होती है क्रीम की, एक जो तह होती है उस, आप क्या करते हैं, उस तह को अगर आप हटाते हैं उस दूध की सतह से, तो इसको क्या कहते हैं, टू स्कैम। टू स्कैम द मिल्क, टू स्कैम द वाटर, टू स्कैम द वेव्स। अगर आप क्या करते हैं उसकी, पानी की सतह से, दूध की सतह से, या किसी इस तरह लिक्विड की सतह से, उसके ऊपर जो एक तह बन चुकी है, गंध की भी बन चुकी है या क्रीम की बन चुकी है या किसी और चीज की बन चुकी है, अगर आप उसको हटाते हैं तो यू आर स्कैमिंग। सो उसके पेरेंट्स जो थे वो उसके दो भाइयों और एक सिस्टर को ये सिखा रहे थे हाउ टू स्कैम द वेव्स, कि कैसे इन लहरों को चीरना चाहिए, कैसे इन के नीचे से मछली को पकड़ना चाहिए, एंड हाउ टू डाइव फॉर द फिश। हाउ टू स्कैम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर द फिश, और कैसे मछली को पकड़ने के लिए गोता लगाना चाहिए। जब किसी स्केल की हम बात करते हैं, मसलन अगर आप कहते हैं कि मैं टीचिंग करना जानता हूँ, तो आप क्या कहेंगे, आई नो हाउ टू टीच। मैं साइकिलिंग करना जानता हूँ, आई नो हाउ टू साइकिल। अब मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। तो हाउ टू वाला स्ट्रक्चर आप इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर इनको चूंकि स्किल के बारे में सिखाया जा रहा है, इनको बताया जा रहा है, तो राइटर क्या स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहा है, हाउ टू स्कैम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर द फिश। और यंग सीगल जो है वो भी ये चाह रहा था कि वो इस तरह कर सके। अब राइटर मजीद हमें बताता है कि यंग सीगल ने यह भी देखा था कि उसका जो बड़ा भाई है, ओल्डर ब्रदर, हैज ओल्डर ब्रदर हैड कैच हैज फर्स्ट हैरिंग। हैरिंग जो है यहां पर क्या है, इज द नेम ऑफ अ फिश, हैरिंग एंड डेवोर इट, एंड डेवोर इट, और फिर इसे जल्दी जल्दी खाया। डेवर का क्या मतलब है, टू ईट समथिंग ईगरली, किसी चीज को हड़प करना, किसी चीज को जल्दी जल्दी खा लेना, इसको डेवर कहते हैं। सो इनफैक्ट यंग सीगल हैड सीन हैज ओल्डर ब्रदर। ओल्डर और एल्डर में फर्क है। अगर हम इंसानों के लिए, जानवरों के लिए और परिंदों के लिए इस्तेमाल करते हैं, परिंदों और जानवरों की कॉन्टेक्स्ट में जब इस्तेमाल करते हैं तो इनमें कोई फर्क नहीं है। हम ओल्डर इस्तेमाल करते हैं, वो सिस्टर है या ब्रदर है या फैमिली मेंबर कोई भी है, लेकिन जब हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम ओल्डर उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी के बारे में बात करते हैं कि वो सिर्फ मुझसे उम्र में बड़ा है। एल्डर उस वक्त इस्तेमाल करते हैं अगर वो
तुम्हारे रिश्ते में है और वो तुमसे उम्र में बड़ा है। मसलन तुम्हारा जो बड़ा भाई है वो क्या है, ही इज़ योर एल्डर ब्रदर। और तुम्हारा जो तुमसे छोटा भाई है वो क्या है, ही इज़ योर यंगर ब्रदर। और तुम्हारा सबसे छोटा भाई जो है वो क्या है, ही इज़ योर यंगेस्ट ब्रदर। लेकिन अगर किसी के बारे में तुम बात करते हो कि वो मुझसे उम्र में बड़ा है तो तुम कहोगे ही इज ओल्डर देन आई। आई इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करते हैं देन के बाद। सो ही इज ओल्डर देन आई एम भी आप लगा सकते हैं। तो यहां पर ओल्डर का इस्तेमाल हुआ है और ओल्डर ये सुटेबल वर्ड है, एक प्रॉपर वर्ड है, क्योंकि परिंदों की में हम ये फर्क नहीं करते कि वो एल्डर है ओल्डर है। इन अल्फाज के इस फर्क को यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, निगेट करते हैं, इस चीज़ को नहीं देखा जाता कि एल्डर का इस्तेमाल करना चाहिए या ओल्डर का इस्तेमाल करना चाहिए। बट हिज, यहाँ पर तुम्हें ये बताना चाहिए हिज ओल्डर ब्रदर, उसका जो बड़ा भाई है उम्र के लिहाज से उसे बड़ा है। ही हैड कैच्ड, उसने पकड़ा, किस चीज को पकड़ा, ये पॉइंट याद रखें, हैज फर्स्ट हेरिंग, ये उसकी पहली शिकार है। और फिर क्या करना शुरू किया, एंडेवर इट, और फौरन इसको खाना शुरू किया, फौरन इसको खाया। और ये क्या है, एक भूख की अलामत है, जल्दी जल्दी इसको खा लिया उसने। अब नेक्स्ट हमें राइटर बताता है, इस वक्त जब वो खा रहा था ही वॉज स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, वो एक चट्टान पर कड़ा था, और उस स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक चट्टान पर वो कड़ा है और क्या कर रहा है, इस मछली को वो खा रहा है। उसके बाद देखिए कि उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है। हम अपनी जिंदगी में अगर देखें, हमारे पेरेंट्स जो है क्या करते हैं, हमारी सक्सेस को वो सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर उसकी ये पहली शिकार है, पहली शिकार कामयाबी के साथ वो जब इसको करता है तो उसके पेरेंट्स जो है क्या करते हैं, दे आर सेलिब्रेटिंग हिज सक्सेस। तो इसलिए राइटर हमें कहता है, हैज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड हिम, हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड हिम, उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे। क्यों ये चक्कर लगा रहे थे, और एंड दे वर रेजिंग अ प्राउड केकल, प्राउड फहरिया आवाजें निकाल रहे थे। केकल क्या है, इन परिंदों की आवाज के लिए जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, उसको केकल कहते हैं। सो देवर रेजिंग अ प्राउड केकल, देवर सर्कलिंग अराउंड द ओल्डर ब्रदर ऑफ यंग सीगल, और देवर केकलिंग प्राउडली, फहरिया आवाजें जो है वो निकाल रहे थे कि उनका जो बड़ा बेटा है वो कामयाब हो चुका है अपनी पहली शिकार को हासिल करने में। उसके बाद एंड ऑल मॉर्निंग यंग सीगल ने फिर देखा, यंग सीगल की कंडीशन के बारे में तुम्हें बताया जा रहा है और साथ साथ उसको कंपेयर किया जा रहा है कि बाहर क्या हो रहा है और यंग सीगल के साथ क्या चल रहा है। सो एंड यंग सीगल एंड ऑल मॉर्निंग, पूरा जो सुबह का वक्त है ये तमाम सुबह वो देखता रहा कि उसके फैमिली मेंबर जो है वो मुहालिफ, एक चट्टान है वहाँ पर, एक प्लेचू है। सत मुर्तफा को क्या कहते हैं, प्लेचू कहते हैं। प्लेचू अगर हम इसको डिफाइन करें, अ फ्लैट एरिया बिटवीन टू रेज्ड सरफेसेस, मतलब एक तरफ पहाड़ है और दूसरी तरफ कोई रेज्ड सरफेस है, दरमियान में जो एरिया है वो कंपेरेटिवली फ्लैट एरिया है, तो उसको फिर क्या कहता है, कहते हैं उसको प्लेचू कहते हैं। अ फ्लैट एरिया, ये मैंने क्या कहा, फ्लैट एरिया बिटवीन टू रेज्ड सरफेसेस, दोनों अतराफ पर क्या है, रेज्ड सरफेसेस है, और दरमियान में एक कंपेरेटिवली बेगर जो फ्लैट एरिया है उसको प्लेचू कहते हैं। अब इस प्लेचू पर तकरीबन दरमियान वो ये जो फ्लैट एरिया है इससे वो चलकर तकरीबन उसके दरमियान तक आ चुके थे क्योंकि नीचे पानी है। लेकिन ये अपोजिट साइड वाली बात, साइड की बात हो रही है, जो उसकी साइड है उसकी कंडीशन कुछ और है। अपोजिट वाली जो साइड है वहाँ पर उसके पेरेंट्स, उसके दो भाई और बहन जो है एक बैग प्लेचू पर मौजूद है,
और उसके तकरीबन बस तक नीचे आ चुके हैं और वहाँ पर बैठकर वो क्या कर रहे हैं, जो शिकार उन्होंने किया है उसको वो एंजॉय कर रहे हैं, और यंग सीगल जो है सिर्फ उनको देख रहा है और वो ये चाहत कर रहा है, उसकी ये तमन्ना है कि मेरे पेरेंट्स जो है वो मुझे कुछ खाने के लिए दें, लेकिन उसके लिए मुझे उड़ना ना पड़े। और ये सबसे बड़ी उसके लिए रुकावट है कि उड़ना उसको पड़ेगा, अदरवाइज ही विल नॉट बी प्रोवाइडेड विथ एनी काइंड ऑफ फूड। तो यहाँ पर हम राइटर हमें बताता है द होल मॉर्निंग, हम ये भी कह सकते हैं ऑल मॉर्निंग, और हम ये भी कह सकते हैं द होल डे, हम ये भी कह सकते हैं ऑल लॉन्ग डे। ये एक्सप्रेशन आप इस तरह से एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल डे लॉन्ग आप कह सकते हैं, द होल डे आप ये कह सकते हैं, ऑल मॉर्निंग आप ये कह सकते हैं, द होल मॉर्निंग। तो यहां पर इनफैक्ट दर हकीकत ऑल मॉर्निंग तमाम सुबह वो क्या करता रहा, देखता रहा। हैज फैमिली मेंबर्स वॉकिंग अबाउट, जो चहलकदमी करते रहे, वॉकिंग अबाउट ये, सो दे वर वॉकिंग ऑन द ऑपोजिट क्लिफ बट दे वर गिविंग नो अटेंशन, दे वर इग्नोरिंग द यंग सीगल, और यंग सीगल जो है उनको लगातार वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसको भी खाने के लिए कुछ दिया जाए, बट दे वर कंटिन्यूसली इग्नोरिंग हिम, और वो जो कुछ खा रहे थे उसमें से कुछ बेकार चीज़ें जो हैं वो बच गई। अब उसकी माँ जो है यहाँ पर प्लानिंग करेगी कि कैसे यंग सीगल को फोर्स किया जाए, कैसे उसको मजबूर किया जाए, वो आगे हम जब डिस्कस करेंगे तो ये बात सामने आएगी कि कैसे उसने उसको फोर्स किया, कैसे उसको उड़ने के लिए मजबूर किया। लेकिन इस वक्त सारे फैमिली मेंबर्स जो है उसको इग्नोर कर रहे हैं, और दे वर टॉन्टिंग हिम फॉर हिज कावर्डिस, और उसकी बुजदिली पर उसे मलामत कर रहे थे, बुरा भला कह रहे थे उसको। टॉन्टिंग टी ए यू, स्पेलिंग इसी तरह तुम्हें याद हो, टॉन्टिंग टी ए यू एन टी आई एन जी, तो टॉन्टिंग हिम फॉर हिज कावर्डिस, ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसके बाद हम देखते हैं कि राइटर जो है वो एक और एस्पेक्ट के बारे में हमें बताता है, इस स्टोरी के एक और एस्पेक्ट की तरफ, सराउंडिंग में क्या माहौल चल रहा है उसके बारे में हमें बताता है, और वो हमें कहता है द सन वाज नाउ एसेंडिंग द स्काई, एसेंडिंग का मतलब है द सन वाज नाउ राइजिंग ऑन द स्काई, सूरज जो है अब तुलू हो रहा है, और इट द सन वाज ब्लेजिंग वार्मली, ब्लेजिंग चमकना, वार्मली खूब चमक रहा है, और यंग सीगल का जो घोंसला है उसका सामना किसकी तरफ था, उसका सामना साउथ की तरफ है, जुनूब की तरफ है। अब सूरज जब तुलू होता है तो उसकी किरणें जो है वो सीधा इसके घोंसले पर पड़ती है, और वो फौरन इस सूरज की तपश को महसूस करता है। सो द सन वॉज नाउ एसेंडिंग द स्काई, इट वॉज ब्लेजिंग वार्मली, खूब चमक रहा था, दी ऑन हिज लेज, इट वॉज ब्लेजिंग वार्मली ऑन हिज लेज, उसके घोंसले पर, उसके उभरे हुए पत्थर पर सूरज जो है वो खूब चमक रहा है। एंड इसके बारे में जिस तरह कि मैंने बताया, हिज लेज वॉज फेसिंग द साउथ, इसका सामना जुनूब की तरफ था। ही फेल्ट द हीट, यंग सीगल के बारे में बताया जा रहा है कि उसने सूरज की तपश को महसूस किया, क्यों महसूस किया, क्योंकि उसकी एनर्जी लेवल जो है वो लो है, वो फौरन किसी भी जो मौसम की तब्दीली है, वो सर्दी है या गर्मी है, उसको बहुत जल्दी महसूस कर लेता है। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, प्रीवियस नाइट फॉल, पिछले रात के डलने से लेकर अब तक उसने कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए फौरन उसने सूरज की तपश को महसूस किया। राइटर ने इस पॉइंट को यहाँ पर ये आपसे पूछा जा सकता है
किसी एमसीक्यूज में, व्हाई डिड ही, किसी शॉर्ट क्वेश्चन में व्हाई डिड ही फील द हीट ऑफ द सन, तो आपको पता होना चाहिए बिकॉज ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। उसके बाद राइटर हमें बताता है कि देन ही हैड फाउंड अ ड्राइड पीस ऑफ मैक्रेल स्टेल। अब वहां पर जब वो अपने भाइयों के साथ, सिस्टर के साथ यहाँ पर अंडों से निकले, तो उनके वालदैन ने उनको खाने के लिए कुछ वो मछली के पीसेस जो लाते थे, उनमें से एक मछली का नाम यहाँ पर आप सीख रहे हैं मैक्रेल स्टेल, MAKMACKERLEL। और मैक्रेल जो है, इस मछली के दम का एक टुकड़ा जो है उसको मिला और उसने उसको क्या करना शुरू कर दिया, उसने उसको कतरा कर खाना शुरू किया। वो इंतहाई मायूस हो चुका है, वो इसके लिए भी तैयार है, वो यहाँ तक भी जा चुका है कि वहाँ पर जिन अंडों से वो और उसके बहन और उसके दो भाई निकले थे, उन अंडों के जो होल वहाँ पर पड़े हुए थे, एक शेल जो वहाँ पर पड़े हुए थे, उनको भी उसने कतरा कर खाना शुरू किया। तो ये राइटर कहता है, यहाँ पर उसको क्रिटिसाइज कर रहा है कि ये बिल्कुल ऐसा है जैसा कि वो क्या कर रहा है, अपने जिस्म का कोई हिस्सा खा रहा है। When he started eating the dried pieces of eggshell which were lying there in the straw nest, तो यहाँ पर राइटर मजीद एक्सप्लेन करता है, Then he had found a dried piece of mackerel's tail at the far end of his ledge, अपने उभरे हुए पत्थर के दूर वाले किनारे पर उसको मैक्रेल जो फिश है उसके दुम का कोई टुकड़ा मिलता है और वो उसको कतरा कर खाना शुरू कर देता है। राइटर, जैसा कि मैंने बताया कि उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, उसको हाईलाइट कर रहा है, उसकी किस कमजोरी को हाईलाइट कर रहा है, उसकी बीइंग अ कवर्ड, हिज कवर्डनेस को हाईलाइट कर रहा है। नाउ देयर वाज नथिंग फॉर हिम टू ईट, देयर वॉज नॉट अ सिंगल स्क्रैप ऑफ फूड फॉर हेम टू ईट। स्क्रैप किसको कहते हैं, इस सेंटेंस में इस वर्ड को याद रखें, इस वर्ड को एम सी क्यूज में छोड़ा गया था और डिफरेंट ऑप्शन दिए गए थे। स्क्रैप मीन्स पीस ऑफ फूड, लेकिन अगर आपको पीस ऑफ फूड इसके साथ ऑप्शन में दे तो आप सेंटेंस में जिस तरह के मैंने कहा कि जो वर्ड यूज हुआ है वही आप यूज करेंगे। देयर वॉज नॉट अ सिंगल स्क्रैप ऑफ फूड लेफ्ट फॉर हेम टू ईट, एक भी टुकड़ा वहां पर बाकी नहीं रहा था कि वो उसको खा सके। ही हैड सर्च्ड एवरी इंच, देखिए वो आगे पीछे हरकत कर रहे हैं अपने इस लेज पर, इस उभरे हुए पत्थर पर, और कोई खाने की चीज जो है उसकी तलाश में है, और उसने हर एक जगह जान मारी। वो क्या करता है, राइटर कहता है एवरी इंच, सर्च्ड एवरी इंच, हर एक जगह उसने जान मारी, लेकिन उसे कोई चीज जो है वो खाने को नहीं मिलती। एवरी इंच, वेरी फैंटास्टिक एक्सप्रेशन। अगर हम किसी के बारे में, एवरी इंच का मतलब है कंप्लीटली, अगर हम किसी के बारे में कहते हैं ही इज अ नोबल मैन इन एवरी इंच, तो इसका मतलब है कि वो मुकम्मल तौर पर एक शरीफ शख्स है। एवरी इंच मीन्स thoroughly, completely. Rooting among the rough, rooting का क्या मतलब है, जिस तरह परिंदे करते हैं चोंच मारकर, अपने क्लॉज अपने पंजों को मारकर वो क्या करते हैं, किसी जगह को वो रूटिंग करते हैं, उस जगह से वो रबिंग करते हैं, उस जगह से वो क्या करते हैं, कोई चीज जो है वहां से निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर इनका घोंसला जो है, जाहिर बात है वो स्ट्रॉज का बना हुआ है, और इन स्ट्रॉज को वो क्या करता है, अपने चोंच के जरिए, अपने पांव के जरिए वो क्या करता है, यहाँ से कोई चीज़ निकालने की कोशिश करता है ताकि उसे खाने के लिए कोई चीज़ मिल जाए, लेकिन वो क्या है, नाकाम है। यहाँ पर राइटर कहता है ही वाज रूटिंग, वो कुरच रहा था द रफ, वहाँ पर जो बेकार चीज़ें पड़ी हुई थी,
डर्ट कैक्ड, वो घोंसला जिसको मट्टी जो है वो लगी हुई है, वो क्या कर रहा है? उसको क्रच रहा है स्ट्रॉनेस्ट, वो जो घोंसला है तिनकों का बना हुआ है, वेयर ही एंड हिज ब्रदर हैड बीन हैच्ड, जहां पर वो और उसके दो भाई और बहन जो है वो अंडों से निकले थे। हैच्ड का क्या मतलब है? अंडों से निकलना। ही राइटर हमें बताता है, ही इवन नॉट, नॉट का मतलब है किसी चीज को कतरा कर गाना, किसी चीज को कट इनटू स्मॉल पीसेस और फिर उसको गाना, जिस तरह के पैरट्स करते हैं, जिस तरह के माइस करते हैं, माइस जो है वो माउस की प्लूरल है, और जिस तरह के कुछ परिंदे करते हैं वो चीज़ों को कतरा कर करते हैं, तो इसी तरह ही इवन नॉट एट द ड्राइड पीसेस ऑफ एक्शेल, और वो जो एक्शेल है वो स्पॉटेड है। यहाँ पर राइटर हमें बताता है देवर स्पॉटेड, स्पॉटेड का क्या मतलब है? वो खून के धब्बे लगे हुए थे उन अंडों को, जिन अंडों से वो और उसके दूसरे बहन भाई जो है वो निकले थे, उनको खून के धब्बे लगे हुए थे, स्पॉटेड एक्शेल दागदार, वो अंडों के होल जिनको धब्बे लगे हुए थे, इवन हत्ता के, देखिए ये इंतहा है, राइटर इसलिए इवन का इस्तेमाल कर रहा है, इवन हत्ता कि उसने कतराकर गाना शुरू किया उन अंडों के होल होल जो थे उनको भी, जिनको दबे लगे हुए थे, जिन अंडों से वो निकले थे, और राइटर यहाँ पर इंतहाई उसको क्रिटिसाइज कर रहा है। उसको क्रिटिसिज्म से क्या मतलब है कि सोसाइटी के उन मेंबर्स को वो क्रिटिसाइज कर रहा है जो इस स्टेज पर भी पहुंच जाते हैं कि वो क्या करना शुरू कर देते हैं, अपने जिस्म के कुछ हिस्से जो है वो बेचना शुरू कर देते हैं, और क्या करते हैं, अपने लिए कोई रोजी उसके जरिए हासिल करते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा ही था, इट वॉज वेरी मच लाइक ही वॉज ईटिंग द पार्ट ऑफ हिज बॉडी, जैसा कि वो अपने जिस्म का कोई हिस्सा खा रहा है। ही हैड देन ट्रॉटेड बैक एंड फर्थ फ्रॉम वन एंड ऑफ द लेज टू द अदर। अब राइटर हमें मजीद बताता है कि ये सब कुछ करने के बाद वो क्या करता है, ही ट्रॉटेड, ट्रॉटेड का मतलब है छोटे छोटे तेज कदम लेकर चलना, टू वॉक क्विकली विद स्मॉल स्टेप्स, वॉक क्विकली विद स्मॉल स्टेप्स, यहां पर अभी तेज तेज चलने की वो कोशिश करता है कि कोई चीज जो है उसे खाने को मिल जाए, अदरवाइज उसके पाँव में कोई इतनी ताकत नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है कि वो ये हरकत कर सके। लेकिन राइटर कहता है ही हैड देन ट्रॉटेड बैक एंड फर्थ, आगे पीछे वो छोटे छोटे तेज कदम लेकर हरकत करता रहा, मूवमेंट करता रहा, किस जगह पर? ऑन हिज लेज, अपने इस उभरे हुए पत्थर से आगे जाने के लिए वो तैयार नहीं है। ऑन हिज लेज फ्रॉम वन एंड ऑफ द लेज टू द अदर, इस उभरे हुए पत्थर के एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक, हिज ग्रे बॉडी, ग्रे बॉडी उसकी बॉडी का जो रंग है वो क्या है, जो उस पहाड़ का रंग है वो उसके बॉडी का भी रंग है, तो राइटर यहां पर कहता है द ग्रे बॉडी, और उसके पाँव का रंग भी वही है जो पहाड़ का रंग है, हिज ग्रे बॉडी द कलर ऑफ द क्लिफ, उसकी सुरमई रंग की जो जिस्म है जो कि उस पहाड़ का भी कलर है उसका भी वही रंग है, और उसके पाँव जो कि पहाड़ की रंगत वाले हैं, तो ही वॉज स्टेपिंग देम डेंटली, स्टेपिंग डेंटली, स्टेपिंग का क्या मतलब है, वो उठा रहा था डेंटली, डेंटली का मतलब है सॉफ्टली, बड़ी नजाकत से, बड़ी नफासत से वो अपने पाँव को अभी क्या कर रहा है, पहले तो वो तेज तेज चल रहा है, कोई चीज नहीं मिल रही उसको, तो अभी वो क्या कर रहा है, बड़ी नफासत से इधर उधर स्टेपिंग डेंटली फ्रॉम वन एंड ऑफ द कि कुछ जो है वो खाने को मिल जाए, वो मरने के लिए तैयार है लेकिन वो उड़ने के लिए तैयार नहीं है, और वो कोशिश कर रहा था टू फाइंड सम मीन्स टू रीच हिज पेरेंट्स विदाउट हैविंग टू फ्लाई। अब वो आहिस्ता आहिस्ता कदम ले रहा है कि मुझे कोई ऐसा जरिया मिल जाए कि मैं अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाऊं लेकिन इसके लिए मुझे उड़ना ना पड़े। तो उम्मीद करते हैं कि आप
इस वीडियो को पसंद करेंगे, और वीडियो को देखने के बाद बुक को एक रीडिंग दे। मैं आपको कुछ पैराग्राफ भी भेज रहा हूँ, और फिर अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।